दोस्तों स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल जानकारी मोड में। आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है और अपना मॉडल पेपर भी जारी किया है। मॉडल पेपर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जहां से इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th बायोलॉजी मॉडल पेपर की, इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे इसमें, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर एक, गुणसूत्र यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है? तो आपके ऑप्शन है अनुवंशिकता सक्रिय होता है, उदासीन होता है, अनुवंशिकता निष्क्रिय होता है, या बी और सी दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवंशिकता सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर दो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? आपके पास ऑप्शन है राइनो, शेर, बाघ या फिर काला बक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ के लिए। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, जहाँ पे आप जीप सफारी, एलिफेंट सफारी, हिल स्टेशन, बहुत सारी चीज़ों का मजा ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, हाइब्रिड भीगर यानी संकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है? आपके ऑप्शन है विनिमय, काइएज्मा, समयुग्मता या फिर विषमयुग्मता। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषमयुग्मता। अगला सवाल, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है? अवशेषी अंग बताने हैं आपको। ऑप्शन है आपका अंगूठा, पिन्ना, कॉकिक्स या फिर पेल्विक। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकिक्स। अवशेषी अंग होते हैं दोस्तों जो पहले पूर्वजों में पाए जाते थे और वो किसी काम आते थे। आजकल वो हमारे अंदर हैं लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं, उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। अगला सवाल, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है शशक, मनुष्य, घोड़ा या फिर इनमें सभी में। तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर छः, कौन से परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? आपके ऑप्शन है शलभ, तितली, पक्षी या चमगादड़। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यह फूल के गंध से आकर्षित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सात, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण है, मात्रात्मक लक्षण बताना है आपको। आपके ऑप्शन है आँखों का रंग, त्वचा का रंग, बाल का रंग या फिर नाक का आकार। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वचा का रंग। अगला सवाल, वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? कैंसर पैदा करने वाले कारक को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है कार्सिनोमा, कार्सिनोजन, सी ऑन्कोजीन या फिर डी मेटास्टेसिस। तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्सिनोजन। अगला सवाल, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है एक, दो, तीन या फिर चार। तो सही आंसर इसका है वो है ऑप्शन नंबर बी, दो तरह का होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह का होता है, आपका डीएनए और आरएनए। डीएनए यानी डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर दस, एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है? ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीय उपभोक्ता। तो आपका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उत्पादक। 11 नंबर क्वेश्चन, कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। आपके ऑप्शन है ऑन्कोजींस, प्रोटो ऑन्कोजींस, ए और बी दोनों या फिर साइलेंट जीन्स। आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी ऑन्कोजींस और प्रोटो ऑन्कोजींस। क्वेश्चन नंबर 12, जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है? जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है? आपके ऑप्शन है प्लाज्मिड, कॉज्मिड, फॉज्मिड्स, सूक्ष्म क्षरों। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म क्षरों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13,
अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है? आपके ऑप्शन है चावल, कपास, आलू, टमाटर। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, टमाटर। फ्लेवर सेवर जो है वो टमाटर का रूपांतरित रूप है। अगला सवाल, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नांकित में से किस में अनुपस्थित है? ऑप्शन है वन, घास स्थल, झील या फिर तालाब। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, घास स्थल में संख्या का पिरामिड अनुपस्थित है। अगला सवाल, पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है, आपके ऑप्शन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल या फिर ऊर्जा, किसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है? तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। अगला सवाल, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं हो पाता वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? आपके ऑप्शन है वृषण कोष, वाइस इफरेंस, शुक्रवाहक या फिर इजैकुलेटरी नली में। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहक में। अगला सवाल, संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? आपके ऑप्शन है एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोमीसोडर्म या फिर एंडोडर्म। तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मीसोडर्म। अगला सवाल, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? आपके ऑप्शन है सेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या टेलोसेंट्रिक। आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेटासेंट्रिक। अगला सवाल, एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? ऑप्शन है अलिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र पर सूजन या फिर काइनेटोकोर। तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र का नाम क्या है? एलोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 20, एंडोगेमी निम्नांकित में किस में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, फीता क्रीमी या फिर हाइड्रा। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, फीता क्रीमी। अगला सवाल, मध चक्र निम्नांकित में किस में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है मनुष्य, बंदर, गाय या फिर इनमें सभी। तो मध चक्र जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, गाय में। गाय और भैंस जो होती हैं इनमें मध चक्र पाया जाता है, और मनुष्य में जो पाया जाता है वो है मासिक चक्र, मासिक चक्र जिसे MC कहते हैं। अगला सवाल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, इसे रोमांस का शहर भी कहा जाता है, और यहाँ पर रणथंभौर किला आपको मिलेगा जो बहुत पुराना है और बहुत ही खूबसूरत है। अगला सवाल, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? आपके ऑप्शन है रिक्सिया डिस्कलर, मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, साइनोडॉन डेक्टाइलोन या फिर निपेंथिस खासियाना। दोस्तों जो स्थानिक पौधा होता है वो किसी खास जगह पे पाए जाने वाले पौधे को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निपेंथिस खासियाना। ये जो है दोस्तों ये एक कीट भक्षी है, ठीक है, जो कीटों को भी खाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र DNA क्या है? ऑप्शन ट्रांसपोजिशन, इंट्रॉन, प्लाज्मिड या फिर एक्सॉन। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिड। अगला सवाल, TI प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? आपके ऑप्शन है जीवाणु का, विषाणु का, पौधों का या फिर जंतुओं का। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पौधों का। दोस्तों TI प्लाज्मिड जो होता है वो आपको प्लांट सेल यानी पादप कोशिका को ट्रांसफर करता है। अगला सवाल, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किस में उपयोगी है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, अमीनो अम्ल संश्लेषण, DNA संश्लेषण या फिर DNA प्रवर्धन में। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, DNA प्रवर्धन। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल एग्जाम में मॉडल पेपर से पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हमारे पास अगला सवाल है, कुकरबिटा के ट्रेंडिल्स तथा बैगनविला के कांटे हैं क्या है? ऑप्शन है आपके समजात अंग, अवशेषी अंग, असमजात अंग या फिर A और B दोनों, यानी समजात और अवशेषी अंग दोनों। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग। समजात अंग वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी होती है लेकिन भिन्न भिन्न कार्यों को वो करते
होते हैं जैसे बंदर बिल्ली के अग्रपाद, और असमझात अंग जो होते हैं जिनकी उत्पत्ति भिन्न होती है, उत्पत्ति भिन्न होती है और वो एक जैसे कार्य करते हैं जैसे तितली और पक्षी के पंख उड़ने के काम आते हैं। दोस्तों अगला सवाल, डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, समांतर विकास, अनुरूपता या फिर अनुकूली विकिरण। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुकूली विकिरण। अगला सवाल, आर्कियोपटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी है? आपके ऑप्शन है उभयचर तथा सरीसृप, सरीसृप तथा पक्षी, उभयचर तथा पक्षी वर्ग, मत्स्य तथा उभयचर वर्ग। तो आपका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग। दोस्तों आर्कियोपटेरिक्स जो जीवाश्म मिला है उसमें सरीसृप यानी रेप्टिलिया और पक्षी वर्ग यानी एवीज दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला सवाल, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पूरक जीन, विषम युग्मज, संपूरक जीन या फिर युग्मविकल्पी। तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, युग्मविकल्पी। अगला सवाल, टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? ऑप्शन है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस विभाजन या फिर एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। अगला सवाल, भ्रूण कोष किससे बनता है? आपके ऑप्शन है गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणुधानी, मादा युग्मकोद्भिद या फिर मादा युग्मक। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुरु बीजाणु। अगला सवाल, स्थानांतरण आरएनए पर इसमें से क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शन है आरंभ कूट, पतित कूट, समापन कूट या फिर विरोधी कूट। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, विरोधी कूट। अगला सवाल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसमें क्या होता है, आरएनए से डीएनए में रूपांतरण के लिए यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। आपका अगला सवाल जो है वह है, ऑपेरॉन का एक जीन जो रीप्रेशर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑपरेटर, प्रोमोटर जीन, रेगुलेटर जीन या फिर संरचनात्मक जीन। तो आपका सही आंसर जो है वो है रेगुलेटर जीन। क्वेश्चन नंबर 37, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है जबड़े की हड्डियों को, स्वैच्छिक मांसपेशियों को, अनैच्छिक मांसपेशियों को या फिर बी और सी दोनों। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वैच्छिक मांसपेशियों को। स्वैच्छिक मांसपेशियां तंत्रिका कोशिका द्वारा नियंत्रित होती हैं, ठीक है, जिसे टेटनस का विष प्रभावित करता है। अगला सवाल, एड्स विषाणु में क्या रहता है? ऑप्शन है एक कुंडलिनी आरएनए, द्वि कुंडलिनी आरएनए, एक कुंडलिनी डीएनए या फिर द्वि कुंडलिनी डीएनए। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक कुंडलिनी आरएनए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, तंबाकू की लत किसके कारण होती है? आपके ऑप्शन है कैफीन, हिस्टामिन, कोकेन या फिर निकोटीन। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निकोटीन। दोस्तों तंबाकू खाने वाले लोगों को निकोटीन की लत लग जाती है जिसकी वजह से वो बार बार तंबाकू खाते हैं। अगला सवाल, घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? आपके ऑप्शन है वायु प्रदूषण, बहिस्राव, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। आपके सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक वो होते हैं जो सड़ जाते हैं, जो बारिश से, धूप से, किसी वजह से सड़ जाते हैं, उन्हें कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय। और जैव अनिम्नीकरणीय जो होते हैं वो सड़ते नहीं हैं, जैसे लोहा, प्लास्टिक, शीशा। अगला सवाल, निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है? जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव कौन सा है? आपके ऑप्शन है क्लोरा विब्रियो, ई कोली, सल्मोनेला टाइफी, एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ई कोली। अगला सवाल, बॉम्बे डक क्या है? बहुत ही मशहूर सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल, बॉम्बे डक क्या है? आपके ऑप्शन है झींगा, मछली, जलीय पक्षी या फिर समुद्री घोड़ा, घोघा। तो आपका ऑप्शन, आपके सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, मछली। बॉम्बे डक एक मछली का किस्म है। क्वेश्चन नंबर 43,
लाइसिन से प्रचुर शक्ति, रतन तथा प्रोटीन इसमें से किसकी किस्में हैं? आपके ऑप्शन है चावल, गेहूं, कपास या फिर मक्का। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, मक्का। ये तीनों मक्का की किस्में हैं। अगला सवाल, बैल का वीर्य किस में संचित होता है? आपके ऑप्शन है तरल नाइट्रोजन, तरल कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरल नाइट्रोजन। वीर बैल के वीर्य को तरल नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। अगला सवाल, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? आपके ऑप्शन है केराटिन, अल्ब्यूमिन, फिब्रोइन या फिर बी और सी दोनों। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिब्रोइन। अगला सवाल, लेडी कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? आपके ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेनस या फिर कॉर्टिकोस्टेरोन। तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन, जो एक मेल हार्मोन है। अगला सवाल, मुखी गर्भ निरोधक निम्नांकित में से किस संयोजन का बना होता है? आपके ऑप्शन है एस्ट्रोजेन तथा वृद्धि हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन तथा टेस्टोस्टेरोन, या एस्ट्रोजेन तथा टेस्टोस्टेरोन, या फिर एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजेन जो है वो मेल हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीमेल हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 48, डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? आपके ऑप्शन है लगातार यानी संतत, असंतत, छोटे खंडों में या फिर बी और सी दोनों। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला सवाल, फ्रेम स्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम स्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? आपका ऑप्शन है जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है, जब बेस का निवेशन होता है, जब बेस का विलोपन होता है या फिर जब फॉस्फेट जुड़ता है। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है यानी डिलीट या ऐड होता है। अगला सवाल, वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? आपके ऑप्शन है क्रिक, नीरेनबर्ग, हॉले या फिर खुराना। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिक द्वारा। अगला सवाल, आरबीसी के पतन का कारण कौन है? आपके ऑप्शन है आर्सेनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया या फिर सल्फर यौगिक। आपके सही आंसर जो है वो है आर्सेनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर ए। आर्सेनिक यौगिक जहरीला होता है जिसकी वजह से ये आरबीसी को मार डालता है। अगला सवाल, जल प्रस्फुटन किससे बनता है यानी वाटर ब्लूम्स किससे बनते हैं? आपके ऑप्शन है हाइड्रिला से, जलकुंभी से, ट्रापा से या फिर प्लैंक्टोनिक शैवाल से। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शैवाल से। शैवाल जो होते हैं वो तेजी से पानी में फैलते हैं और पानी का रंग बदल जाता है जिससे काफ़ी सारे जलीय जीव मर जाते हैं। अगला सवाल, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? आपके ऑप्शन है गलन, अपक्षय, मृदा जनन या फिर बी और सी दोनों। तो इसमें देखिए अपक्षय से भी मिट्टी का निर्माण होता है और मृदा जनन से भी होता है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन है तैरते हुए पत्ते, एरेनकाइमा, डूबे हुए पत्ते या फिर अच्छी तरह से विकसित फ्लोएम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एरेनकाइमा। जलोद्भिद क्या है दोस्तों? जलोद्भिद एक प्रकार का जलीय पौधा है, ठीक है। एरेनकाइमा गुण वो होता है जिससे पौधा जल पर तैरता रहता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहते हैं? फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहते हैं? आपके ऑप्शन है एक्टोमाइकोराइजा में, वैम में, एंटोमाइकोराइजा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्टोमाइकोराइजा में। अगला सवाल, प्लियोट्रॉफी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? प्लियोट्रॉफी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? आपके ऑप्शन है विभिन्न जीन प्रारूप, विभिन्न लक्षण प्रारूप, एक जीन प्रारूप या फिर एक लक्षण प्रारूप। तो आपका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न लक्षण प्रारूप। अगला सवाल, निम्नांकित में दो जीनों के लिए विषम युग्मी जीव कैसा होगा? तो आपके ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
क्वेश्चन नंबर 58, निम्न से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? आपके ऑप्शन है नदी डॉल्फिन, गैंगटिक शार्क, दरियाई घोड़ा या फिर ब्लू व्हेल। तो आपका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए नदी डॉल्फिन। अगला सवाल, इन सुटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है जीव मंडल संरक्षण, वनस्पति प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य। तो दोस्तों, इन सुटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल जो है वो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वन हो, या जानवर हो, तो उनको संरक्षण के लिए उसी जगह को घेर दिया जाता है, उसी जगह को रखा जाता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वनस्पति प्राणी उद्यान होगा, ये इन सुटू संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 60, आण्विक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है? आपके ऑप्शन है पेक्टिनेज एंजाइम, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज, पॉलीमरेज एंजाइम या फिर लाइगेज एंजाइम। तो आपका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है रेट्रो विषाणु, रोटा विषाणु, अर्वो विषाणु या फिर परभो विषाणु। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए रेट्रो विषाणु। दोस्तों, SCID जो होता है वो है सेवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशियंसी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है? आपके ऑप्शन है निकिटेटिंग झिल्ली, पूंछ कशेरुक, अकलचा या फिर इनमें सभी। तो दोस्तों, मनुष्य में अवशेषी अंग ये सभी हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं? आपके ऑप्शन है कीटों से बीमारी, जीवाणु रोगजनक को, सूत्र कृमि परजीवी या फिर फफूंद रोगजनक को। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए कीटों से बीमारी को, बीटी कपास नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, PCR में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन है? आपके ऑप्शन है थर्मोफिलिक कवक, थर्मोफिलिक जीवाणु, मीसोफिलिक कवक या फिर हेलोफिलिक जीवाणु। तो आपका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी थर्मोफिलिक जीवाणु। अगला सवाल, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है राइजोबियम लिगुमिनोसेरम, इकोली, सचेरोमाइसिस पेस्टोरियंस या फिर माइकोबैक्टीरियम। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी इकोली का। अगला सवाल, योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी वरीज, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर लमार्क। तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन द्वारा। डार्विन ने बताया था कि जो भी योग्य प्राणी है प्रकृति उसको रख लेती है और जो अयोग्य होते हैं प्रकृति उनको नष्ट कर देती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन है चावल, मक्का, जई या फिर ढेंचा। तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ढेंचा का हरित खाद के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको दो क्वेश्चन अलग से दिए जाएंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा एक जीवाणु कीटनाशक है? आपके ऑप्शन है बैसिलस सबटिलस, बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस थुरिंजियंसिस या फिर बैसिलस ब्रेविस। तो सही आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बैसिलस थुरिंजियंसिस, ये कीटनाशक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? आपके ऑप्शन है रामापिथिकस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस या फिर होमो नियंडरथैलिन्स। आपका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी होमो इरेक्टस, जो होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है। दोस्तों, मानव का साइंटिफिक नेम जो है वो होमो सेपियंस है। दोस्तों, आखिरी सवाल, वाहितमल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नांकित में से कौन सा कदम शामिल है? आपके ऑप्शन है वायवीय जीवाणु गतिविधि, निस्यंदन और साधन,
अवायु जनित विधि या फिर अम्ल पाचन। आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, निस्यंदन तथा अवसादन। निस्यंदन अवसादन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, जो वाहित मल जो गंदगी निकलती है नालियों में उसको उसकी सफाई के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, वो होता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। दोस्तों अब दो सवाल जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो इस तरह से हैं, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए मछली, बी जलकुंभी, सी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल, डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है ए एक्सॉन, बी इंट्रॉन, सी गुलाभास या फिर डी सिस्ट्रॉन। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।